प्यार की खातिर न जाने कितने डूब गए और कितने तर गए। प्यार की खातिर कितनों ने अपनी जाने दे दी और कितनों ने अपनी जाने दांव पर लगाकर प्यार को जिंदा रखा। इस संसार में सच्चा प्यार करने वाला ही सही मायने में दिल वाला है। क्या हुआ, कल रात इतनी जल्दी घर पर क्यों चली गई? डैड कैसे हैं पता है ना, हम ही ऑफिसर जैसे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फोन आया था इसीलिए जाना पड़ा। ठीक है महाबली मंदिर पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या मंदिर? मैं बाद में कॉल करती हूँ, डैड का फोन आ रहा है, कुछ अर्जेंट काम होगा शायद। हाय डियर। ए डार्लिंग, अरे कहाँ हो यार तुम? मैं फिल्म की दो कॉर्नर की टिकट्स लेकर वेट कर रहा हूँ। कॉर्नर की टिकट्स? मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा फोन तब से एंगेज क्यों आ रहा था, किससे बात कर रही थी तुम? डैड कैसे है पता है ना, आर्मी ऑफिसर जैसे स्ट्रिक्ट है, उन्हीं से तो मैं बात कर रही थी। ठीक है कम फास्ट यार। ओके विद इन 10 मिनट्स आई विल बी देयर। ओके, तुम दोनों को कैसे हैंडल करती हो? अरे इन दोनों को छोड़, पार्क में मेरे लिए चॉकलेट लेकर एक तीसरा लड़का भी खड़ा है, उसे हैंडल करना तो भी बाकी है। इतना आगे मत बढ़ो कि लेने के देने पड़ जाए। भाई साहब ध्यान रास्ते पर दीजिए, मेरी बातों पर नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। क्या बात है, आप लोग एमबीबीएस वाले हो ना, इसके बचने पर इसे ट्रीटमेंट देना, यह होगी आपकी तरफ से समाज सेवा। मरने पर शमशान ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, यह होगी मेरी तरफ से समाज सेवा। हाँ बोल। आता हूं। अच्छे से पढ़ाई करो वरना मेरी तरह अंगूठा छाप रह जाओगे। हैं? ऑल द बेस्ट। नहीं प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, नहीं प्लीज छोड़ दो, जाने दो मुझे, प्लीज प्लीज। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तेरा बाप लगता है मुझे भूल गया है, उसे याद दिलवा रहा। मालिक सारा इंतजाम हो गया है। ए, हाँ मालिक। दोपहर का खाना। अरे क्या हुआ? ए जी, बेटी लापता है। क्या? ए, शादी के दिन लड़की लापता हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी बेटी को मैंने किडनैप कर लिया है। जय सिम्हा, दुश्मनी हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, फैमिली को बीच में मत लाओ। टहनियां काटने से कोई भी पेड़ नहीं गिरता, लेकिन जड़ काटने से मजबूत पेड़ भी गिर जाता है। ए, अगर मेरी बेटी का एक भी बाल बांका हुआ ना, तो तुझे बीच सड़क पर काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मारना काटना बहुत पुराने किस्से हो गए हैं युवराज,
कुछ नया है तो बताओ। बोल कहाँ है इस वक्त तू? पहले तुम इस मुसीबत से कैसे निकलना है ये सोचो, उसके बाद मुझे तुम ढूंढ लेना। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब। अरे सुनिए, ये मेरे लिए चुटकी का खेल है, ऐसे ऐसे सॉल्व करूंगा इसे। हाँ सही कहा भाई साहब, चुटकी बजाते ही किसी को किडनैप कर सकते हैं और चुटकी बजाते ही किसी को मार सकते हैं, लेकिन ये सब हम नहीं कर सकते। ये हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं भाई साहब। दोनों हाथों से दिन रात मेहनत करके हम लोग सिर्फ एक ही चीज कमा पाते हैं भाई साहब, वो है इज्जत, आत्मसम्मान भाई साहब। ये क्या आत्मसम्मान इज्जत लगा रखा है? जिसके पास पैसे नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है। हाँ। क्या पैसा? वो तो हाथ का मैल होता है, और इज्जत जिंदगी लग जाती है उसे कमाने में। मेरा लड़का और आपकी लड़की दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और उनकी इस मोहब्बत की वजह से ही मैंने इस रिश्ते को अपना भी लिया था। आपके पैसे को देखकर मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हुआ। तुम मुझे जानते नहीं हो। जाइए। देखिए भाई साहब, बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि खानदान देखकर शादी करनी चाहिए, और वही हमने नहीं देखा, और इसी वजह से ये नौबत आ गई। अब हमने देख लिया है तो हमें माफ कर दीजिए। चलो रे पापा, एक बार फिर सोच लीजिए। आज तक मैं तुम्हारी बात सुनता आया हूँ, अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। चलो सुनो, सुनो। ये जी, अब हम क्या करेंगे? ऐसा लगा तेरे समधि को दिया हुआ समधियाना तोहफा। मेरी बेटी कहाँ है? मैं बेटियों की इज्जत से नहीं खेलता। तेरी बेटी को जहाँ से उठाया था वहीं सुरक्षित पहुंचा दिया। सॉरी, चाइना का हैंडसेट है, बहुत तगड़ा वाइब्रेट करता है। क्या बकवास पीस है, अगली बार ये तेरा चाइना का मोबाइल बजाना तो तुझे चाइना भेज दूंगा मैं। अरे जमीन हिल जाए, बिजली कड़क जाए, सीजन चेंज हो जाए या सरकार बदल जाए, लेकिन हमारे दोस्त के होते हुए मैं चाइना नहीं जा सकता। महेश, जगदीश। प्रेजेंट सर। हेलो। अबे उठ जा, क्लास चल रही है और सर अटेंडेंस ले रहे हैं, जल्दी आजा, जल्दी आजा। ए तेरा चाइना का स्पीकर स्टार्ट करना। ओके ओके। प्रेम। यस सर। मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बार देख, वो आ गया। मिस्टर प्रेम, तुम किसी और को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं बना सकते। जाकर बैठो, लास्ट बेंच के स्टूडेंट्स कभी नहीं सुधरेंगे। क्या
सर, आप लास्ट बेंच स्टूडेंट्स की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। आज तक हर क्षेत्र में जितने भी कीर्तिमान साबित हुए हैं वो हम जैसे लास्ट बेंच स्टूडेंट्स ही तो हैं। अरे अपने सुपरस्टार बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी लास्ट बेंच स्टूडेंट है सर। जो आगे बैठते हैं वो सिर्फ उन्हीं का ही फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन जो पीछे बैठते हैं वो सबका फ्यूचर देखते हैं सर। आजकल किसी भी स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स फंक्शन में किसी भी बात को लेकर स्ट्राइक होती है तो धमाके से एंट्री लेने वाले लास्ट बेंच स्टूडेंट्स होते हैं सर। सर ये फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट्स पढ़ लिखकर नौकरी करते हैं और लास्ट बेंच के स्टूडेंट्स उन्हें सैलरी देते हैं। ये फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट्स किसी के हाथ के नीचे या कॉल सेंटर में जाकर काम करके अपना घर चलाते हैं सर। लेकिन वही लास्ट बेंच के स्टूडेंट्स सीने पर गोली खाकर भी बॉर्डर पे इस देश की रक्षा करते हैं सर। आप भी किसी टाइम फर्स्ट बेंच स्टूडेंट रहे होंगे सर, लेकिन हमारे कॉलेज का जो ट्रस्टी है जो इस कॉलेज को चला रहा है और आप सब लोगों को तनख्वाह देता है वो भी इसी कॉलेज का, हम जैसा लास्ट बेंच स्टूडेंट है सर। तुम भी अगर भागते भागते स्लिप हो जाती तो गिर जाती और उठकर खड़ी हो जाती है और बस हुआ। देखो प्रीति, मना करने के बावजूद तुमने अपना एडमिशन शहर के कॉलेज में करवाया। तुम इसी तरह सुबह शाम ट्रेन में भागदौड़ करती रहोगी तो खाओगी कब और सोओगी कब? जब भूख लगेगी तो खाएगी, नींद आएगी तो सो जाएगी। तुम पढ़ने के लिए शहर में जा रही हो जहाँ तुम्हें सब बिगड़े हुए लड़के मिलेंगे। शर्ट में बटन नहीं रहता और पैंट कमर में नहीं रहता और सबके बाल खड़े ही रहते हैं। दिमाग में शौक लगा है तभी तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। देखिए उधर देखो देखो। हाय एंजे। एजी ये तो ए तुम हमारे कृष्णा जी के लड़के रामा हो ना? डोंट कॉल मी रामा, कॉल मी रेमो। हाय, ये तुम्हारा कौन सा अवतार है? तुम्हारे पिताजी खेती में गन्ना उगाते हैं और तुम सर पर ही गन्ना लिए घूम रहे हो। स्टाइल आंटी स्टाइल, बाय। देख लिया शहर में जाकर किस तरह बदल गया है ये। ठीक है माँ, ट्रेन आ गई है। प्रीति सब याद है ना? किसी लड़के से दोस्ती मत करना, वो लोग तुम्हें देखे तो देखना मत, तुमसे बात करे तो बात भी मत करना, हंसे तो बिल्कुल मत हंसना और पास तो बिल्कुल मत बैठने देना। ये आजकल के लड़के घोड़े की तरह होते हैं, बिल्कुल बेलगाम, कितनी भी कोशिश करो काबू में नहीं आते, समझ गई ना? ठीक है माँ, ओके बाय 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 पापा बाय बाय बाय। मैंने जो भी कहा है सब याद रखना, ठीक है? बाय बाय भाई, रो क्यों रहे हो यार? सेंसर वालों ने सारे हॉट सीन काट दिए, क्या फायदा हुआ यहाँ की फिल्म देखने का? नहीं, फिल्म देखी कैसे? ये फिल्म तो बड़ों के लिए है। सर मैं सिर्फ दिखने में ही छोटा हूँ, बाकी उम्र में बहुत बड़ा हूँ। बालकनी की 4 टिकट दे दीजिए, बिल्कुल सेंटर की, सब साफ नजर आएगी। हमारे सारे पैसे डुबा दिए, बकवास फिल्म, अब तक एक भी अच्छा सीन नहीं आया। अच्छी तेरा सीन हो जाएगा अगर अच्छा सीन नहीं आया। अरे यार सबर का फल मीठा होता है। आएगा आएगा इसके बाद आएगा। दिखा 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 दिखा, आ गया आ गया आ गया। हे उठो उठो उठो, सीन आ गया, जल्दी देखो जल्दी देखो सीन आ गया। अरे क्या कर, उठो। पैसे तो पूरे लेता है और फिल्म में एक भी सीन नहीं दिखा तेरी तो। अरे क्या कर रहा है? डबल बैटरी सिंगल पावर, तूने स्क्रीन क्यों फाड़ा? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे तेरे बाप का थिएटर है कौन भी तू? मैं इस थिएटर के ऑनर का बेटा हूँ। ऑनर का बेटा ना तो ये ले। अबे पैसे तो पूरे लेता और सीन एक भी नहीं दिखाता, मुझे मेरे पैसे वापस आई, चल जल्दी कर। ले तुझे पैसे चाहिए? अरे यार
शैतानी करता है। ये ले और ले। तुझे बहुत मारूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू थिएटर का पर्दा फाड़ता है, आज देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है साहब, माफ कर दो मुझे। ये इधर ला। उसके इतना मारने पर भी मुंह नहीं खोला, पर सीनियर का नाम लेते ही सब उगल दिया। इनका सीनियर आखिर है कौन सर? आपका सीनियर कौन है? वो शैतानों का भक्षक, एक वीर दबंग। सबकी तारीफ और करते हैं, मेरी तारीफ मैं खुद करता हूँ। My vibration. Enter the dragon. Right? No. Left? No. Different style. Thanks, sir. क्या किया है छिलको ने? सर, ये सिनेमा में मूवी देखने गए थे, इन्होंने वहाँ का पर्दा ही फाड़ दिया सर। No, no. वीर महान योद्धा पागल साइको है ये लाल घोड़ा। ए बच्चा, समोसे की तरह ये साधु है सच्चा, साधु महाराज। इधर आ बे, आजा, 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 बच्चा, आजा। पिताजी क्या करते हैं? सेंसर बोर्ड में ऑफिसर हैं सर। हम तो बस ये देखने गए थे कि उस फिल्म को आखिर कौन सा सर्टिफिकेट दिया है। चल तू निकल, निकल, तू आ, चल आजा, आजा, आजा। आजा, आजा, आजा। ए, मुझे देखकर तुझे बड़ी हंसी आ रही है। मैं हूँ महान योद्धा। दिखने में तो गधा लग रहे हो। क्या कहा तूने? नहीं सर, गधा तो वो है जिसने वो फिल्म बनाई थी। मैं हूँ लाल घोड़ा जो है एक महान योद्धा। गधा तो मैं तुझे बनाऊंगा। चल ये 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 ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये मर गया मैं, तेरे चक्कर में सांस फूल गई मेरी। हाय बहुत मर रहे तेरे को। ए इधर आ, चल इधर आ। तेरे माँ बाप क्या है? सर वो पति पत्नी है सर। अरे वो पति पत्नी नहीं होते तो तू कैसे होता? वो कैसे होता है, वही तो देखने गए थे वहाँ पे सर। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तू जा, चल चल जा। थैंक यू सर। तू इधर आ, आजा, आजा। जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में बोलना जरूरी है। अरे थका दिया यार। अरे चल इधर आजा बच्चे। सर दिखने में तो तू डिसेंट लगता है, तू इन चक्करों में कहाँ पड़ गया? सर मैं वो मैं जानता हूँ तुम सबको बिगाड़ने वाला कौन है, मैं जानता हूँ। साइड प्लीज। चल तू खड़ा हो जा, आजा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते है ना? सर पिछोड़ा सूझ के बहुत मोटा हो गया, अब तो कुछ भी करना चलेगा। मुराद पूरी होगी, जाओ जाओ तुम लोग सब, जाओ 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 जाओ। इसे सर ये मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड बोला तो बैंड बज जाएगी, चल निकल यहाँ से। वो यहाँ नहीं रुकेगा, अगर रुका तो लॉकअप में अंदर कर दूंगा। निकल अब तेरी। कुछ भी क्या बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। दीदी दीदी ये लो। थैंक यू। लेकिन ये दी किसने? उन्होंने। प्रेम ये ले। अबे ओ प्रेम, किसके ख्याल में खोया? अबे मैंने आज एक लड़की को देखा। कैसी थी रे वो? जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे रंगों की उमंग, एक टिपिकल हिंदुस्तानी नारी की तरह।
लाज और शर्म से लिपटी हुई, बिल्कुल एक नाजुक कली की तरह। उसकी खुशबू कुछ ऐसी थी जैसे बरसात की पहली बूंद जमीन पे गिरी हो। SMS, स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ऐसे मैसेजेस के बीच में वो एक प्यार का लव लेटर है जो धीमे हवा में उड़ते हुए मेरे दिल के इस लेटर बॉक्स में बस गया। ए सुनो रे, तुम दोनों को स्विमिंग आती है कि नहीं? नहीं गुरु। अबे तो मेरे पास क्यों नहीं आते ट्रेनिंग लेने? सिखा पाएगा? अबे बाउंस स्विमर हूँ मैं। तो कुत्ते और आप में कोई फर्क नहीं है गुरु? क्यों भाई लोग, टाइम पास कर रहे हो क्या? अबे कॉलेज में कौन सी बोतल खोल सकते हैं यार। वो अलाव होता तो तू कॉलेज को बार नहीं बना देता। चल बटा। ए लोफर, इसे मैं अपनी स्टाइल में नहीं बल्कि सल्लू भाई की स्टाइल में डील करूंगा। इधर आओ। फ्रेशर? हाँ। आई मीन फ्रेशर हो? हाँ है, क्यों? और तुम इसकी पूंछ हो? हाँ? चलो जाओ। सीनियर्स हैं हम। हेलो सर। वो उस टिफिन में क्या है, कुछ खास है क्या? करेला है। नोटबुक में मोर का पंख रखती हो क्या? अगर है तो मेरे लड़कों को दे दो, वो यादगार के तौर पर रख लेंगे। सर साइनस है क्या? परफॉर्मेंस कहते हैं इसे। यो यो याओ यो। इसे छोड़ो, उधर देखो गुरु, एक फ्रेशर बकरा आ रहा है। ओ ये ये ये। इधर आ। सर बोलिए सर। चल आ गया। बोलिए सर। क्या ये सब? सर ये तो म्यूजिक है। निकाल ये सब। अबे निकाल अबे। सर 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 सर। घूरने का नहीं, चल चल पीछे चल। बोलिए सर। चल अब बता, फ्यूचर में क्या बनने की ख्वाहिश है? फिल्म स्टार बनने की सोच रहा हूँ सर। अबे अपना चेहरा कभी शीशे में देखा है? शीशे में चेहरा देखकर अगर कोई स्टार हो जाता तो सारे फिल्म स्टार आसमां की जगह जमीन पर होते सर। स्टार बनने के लिए कलर और फिगर की जरूरत नहीं है, टैलेंट होना चाहिए। तो प्यारे दिखा दे अपना टैलेंट। मैं बन जाता हूँ डायरेक्टर और तू है हीरो, और ये तेरी हीरोइन। हाँ सर, मैं हीरोइन का रोल नहीं कर पाऊंगी। बेचारी, इसे जाने दीजिए ना सर। सर 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 सॉरी, सीनियर्स का कहना ना मानने से प्रॉब्लम आएगी, मान जाइए। अब आप ही ओके कह रही है तो मैं इनकार करने वाला कौन होता हूँ। सर आगे बढ़ते हैं ना, सीन बताइए। हीरोइन जहाँ खड़ी है वहीं रहे। ओके सर। और तुम वहाँ खड़े हो और स्लो मोशन में आते हो। हाँ। और इसे आई लव यू कहते हो। और उसी फीलिंग में रहते हुए तुम दोनों। सर मुझे नहीं लगता कि किसकी जरूरत है। डायरेक्टर को डायरेक्शन तू सिखाएगा क्या? बात करता है। जल्दी टेक नहीं किया तो मेरा पारा चढ़ जाएगा। ये समझ ले कि यह है बिपाशा बासु और तू है इमरान हाशमी। अब शुरू हो जा। ओके सर। साउंड
रोलिंग कैमरा रोलिंग। गुरु ज्यादा फुटेज मत खा, जल्दी एक्शन बोल ना। एक्शन। आई लव यू। बोल ले लो। क्या बदबू है, तुम आज ब्रश करके नहीं आई हो क्या? सर स्मेल आ रही है। कम टू माई चैम्बर। ये क्या है प्रेम, अपने जूनियर्स के लिए आदर्श बनने के बजाय तुम उनके सामने ऐसी घटिया हरकत करोगे? ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अफसोस है मुझे। सॉरी सर, ये आपकी बेटी है, मुझे नहीं पता। ये मेरी बेटी नहीं है, बीवी ने कहीं सुन लिया तो मेरा बैंड बजाएगा। किसी की भी बेटी हो तो क्या हुआ, ये लड़की हमारे कॉलेज में पढ़ने आई है, इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये लड़की यहाँ पर अच्छा महसूस करे। आई एम सॉरी बेटी। सॉरी। इस तरह का इंसिडेंट तुम्हारे साथ दोबारा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। प्रेम, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर इस तरह की हरकत तुमने दोबारा की तो मजबूरन तुम्हें इस कॉलेज से बाहर करना पड़ेगा। इसलिए बी केयरफुल, गो टू योर क्लास। सुनो। हेलो। ओके आई एम सॉरी, ठीक है ना? क्या यार तुम भी, इतनी छोटी सी बात पर इमोशनल होने की क्या जरूरत है? प्लीज देखो, भले ही हमारी कंट्री हाईटेक बन गई है, फास्ट ग्रोइंग हो सकती है, बहुत कुछ बदल भी गया है, और कभी भी हमारे सोच विचार हमारी संस्कृति नहीं बदल सकती, हम अपने कल्चर को नहीं भूल सकते हैं। और तुम्हें बता दूं, मैं एक किसान की बेटी हूं, और हमारे लिए हमारी इज्जत जान से भी बढ़कर है। और तुम्हें एक किस बहुत छोटी चीज लग रही है? एक प्यारे से किस में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, रिश्ते बनते हैं, भावनाएं जुड़ती हैं, इसीलिए कोई लड़की किसी ऐरे गैरे को बस यूं ही किस नहीं कर सकती। ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारा नहीं। प्लीज तुम कभी लड़कियों की भावनाओं से खेलने की कोशिश मत करना। माना कि मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मजाक उड़ाया जाए। ओह, क्या चीज हो तुम, तुम्हारी भावनाएं तो खून निकाल देती हैं। तुम फ्यूचर में ब्लड बैंक में काम कर सकती हो। बोलो, MBBS पढ़ने आई हो ना? एक्सक्यूज मी। ओह, क्या तेवर है तुम्हारे। शट अप। हेलो। ओ हेलो। अरे रुको तो बाबा। हे प्रिटी लेडी, आई एम सॉरी, उस लड़की ने तो मुझे दीवाना कर दिया। अंडरवर पहनना आता नहीं, और अंडरवर के डॉन से पंगा लेता है तू। थिएटर में तूने मेरे छोटे भाई पे हाथ कैसे उठाया? अरे डायलॉग के खत्म होने से पहले ये भाग गया। अटैक। आज तेरा टाइम अच्छा है, आज नहीं तो कल मैं तुझसे टकराऊंगा, तब देखते हैं कौन टिकता है। ए, इसका नंबर एड्रेस सब नोट कर। हाँ।
प्रीटी लेडी। अरे ये हाथ में क्या हुआ? ये क्या? स्मॉल एक्सीडेंट। बिग हो या स्मॉल, जख्म को कभी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब क्या हुआ? चार बोतल वोडका का नशा हो गया। यहाँ आओ। अरे ये क्या, पूरे मेडिकल स्टोर को अपने साथ बैग में लेकर घूमती हो क्या? ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इसे सिर्फ घर पर ही नहीं रखते, हर किसी को साथ में लेकर चलना चाहिए। देखो कितनी धूल जम गई है, फर्स्ट एड किए बिना इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो हवा में उड़ने वाली सारी धूल इसमें चिपक जाती है। उसके बाद इसमें पस हो जाता है, पस होने से सेप्टिक हो जाता है, फिर हो सकता है कि तुम्हारा हाथ काटना पड़ जाए, और अगर हाथ कट गया तो सोचो तुम एग्जाम कैसे लिखोगे। ए प्रिटी लेडी। हाँ थैंक्स। इट्स ओके। लगाम एक बार आजाद हो जाए तो काबू में नहीं आते, और तुमने ये प्रूव कर दिया। उस दिन तुम्हारे हाथ में चोट लगी, मैंने फर्स्ट एड क्या कर दिया, तुम तो छतरी लेकर मेरे पीछे ही पड़ गए। क्या यार, तुम लोग फ्लर्ट करने से बात क्यों नहीं आते? आज तो बहुत अच्छा दिन है मेरा। ये क्या कर रहा है? सुनो, क्या जबरदस्ती है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। चल पत्ते बेचा भाई, लोग पैसे का जुगाड़ हो गया, अपन आ रहा है। लगा पत्ते। चोरी करना पाप है, और किसी की मेहनत की कमाई चुराना उससे भी बड़ा पाप है। देख हीरो आया है, अपन को प्रवचन दे रहा है। चल बच्चे निकल निकल। किसान को तुम लोगों ने क्या समझ के रखा है? सुबह जल्दी उठकर पानी गरम करके नहा धोकर सिर्फ एक प्याली बिना दूध की चाय पीकर हल को प्रणाम करके उसे कंधे पर उठाकर साथ में बीड़ी का दम मारते हुए भजन गुनगुनाते हुए वो जाकर जब खेत के पास खड़ा होता है और सूरज की तपती हुई धूप में ये अपना सीना ठोक कर खेती करता है, तब जाकर अनाज उगता है। और तू चोर कह के उसकी मेहनत की कमाई चुराएगा? तुझे जानता नहीं अपन कौन है। आजा भाई, बच्चे को कुछ समझाना है। अरे शाना बंदा यहाँ। तू हमें इस तरह घूर क्यों रहा है रे? हाँ तुझे पता है मेरा नाम क्या है? बता। ए, बता ना, तुझे पता है? अबे नाम छोड़, एक घूसे से ब्लड निकल आएगा और दूसरे घूसे से पता है क्या होगा, सर चकरा जाएगा।
मेरा सर चकरा रहा है। बैग वापस कर दे। मुंह क्या देख रहा है? पीट उसे। अंकल, औलाद जैसा हट्टा कट्टा हूँ। डोंट वरी बेटी, ही इज परफेक्टली ऑलराइट। सही वक्त पे आकर तुम्हारे ही कॉलेज के स्टूडेंट ने मुझे बचा लिया। मेरे कॉलेज का स्टूडेंट? हाँ, हाँ बेटी, तुम्हारे ही कॉलेज का है। अभी वो रिसेप्शन पे फॉर्म भर रहा है। थैंक्स डॉक्टर। थैंक्स का हकदार तो वो लड़का है बेटी। हाँ, पापा, मैं उससे मिलकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। तो तुम हो? नहीं, शाहरुख खान। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे पिताजी। सही वक्त पर आकर तुमने मेरे पिताजी की जान बचाई है, थैंक यू। छोड़ो ये सब, रहने दो, ये तो मेरा फर्स्ट था। फिर भी थैंक्स। बात ये है, आजकल की लड़कियां जो है वो कब सॉरी कहेंगी, कब थैंक्स कहेंगी, कब हाथ देंगी, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ओके, बाय। बाय। मैं खुद हैरान हूँ, बहुत परेशान हूँ मेरे सब्र की इंतहा देखकर। तुमने याद करना छोड़ दिया, पर मैंने इंतजार करना नहीं। मैं आ गया। ओह, तुम यहाँ कैसे? तुमने पुकारा और हम चले आए। हाँ? आप? अच्छा, तुम यहाँ कैसे? कल मेरे मम्मी डैडी की वेडिंग एनिवर्सरी है, सो उनके लिए यहाँ गिफ्ट लेने आई हूँ। तो ये बात है, देखिए देखिए।
यहाँ दिल खुश करने वाली कोई चीज नहीं। यहाँ खुशी देने वाली चीज आसानी से नहीं मिलती, उसे हमें ढूंढना पड़ता है। वन सेकंड। रेडी मैडम। ये क्या है? लव ग्लोब लाइफ। इस लव के खातिर ही ये दुनिया घूमती है, और इस दुनिया में रहने वाले तुम्हारे मॉम डैड हमेशा अपने लाइफ को हंसी खुशी के साथ प्यार से जिए, इसलिए ये गिफ्ट उनके लिए परफेक्ट है। लव ग्लोब लाइफ, नाइस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट। आदर्श पत्नी पति को मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। ये क्या है बेटा? ये है लव। लव की वजह से पूरी दुनिया घूमती है, और इस दुनिया में रहने वाले मम्मी और पापा खुशी खुशी लव करते रहें, लाइफ को एंजॉय करते रहें, ये आपकी बेटी प्रीति की ख्वाहिश है। हैप्पी एनिवर्सरी। वंडरफुल, थैंक यू। लव ग्लो लाइफ, नाइस कॉन्सेप्ट। हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं, फैक्ट। सुना बॉस, आप कॉलेज के हीरो थे, आजकल उसका बोलबाला है। जल्दी कुछ करो बॉस, वरना जल्दी आपका रात चला जाएगा। हाय प्रिटी लेडी। अरे तुम रो क्यों रही हो, क्या प्रॉब्लम है? आजकल टीवी पर सीरियल ज्यादा देख रही हो क्या? अरे वो सब झूठी कहानियां हैं, और तुम लड़कियां उसे कितना सीरियसली लेकर रोने लग जाती हो। सब किसकी हरकत है? तुम दोनों का कॉलेज की दीवारों पर नाम लिखने के लिए मैं कोई मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन नहीं हूँ, और तुम दोनों भी सलीम अनारकली, लैला मजनू, रोमियो जूलियट के रेंज के लवर्स नहीं हो। चल रास्ता ना। तेरे पास कोई सबूत नहीं है ना कि हमने किया है, तो चल निकल। घूर किसे रहा है बे? बॉस ने बोला तब हमने लिखा, क्या करेगा रे? Thank you.
फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, दोबारा अगर किसी ने हम दोनों के बारे में गलती से भी अनाप शनाप बकवास की तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम जैसे लोफर किसी के भी बारे में इस तरह का मनगढ़ंत कुछ भी लिख दोगे, आज मैं ऐलान करता हूँ अगर किसी दिन हमारे बीच लव हुआ तो लैला मजनू भी हमारे सामने फीके पड़ जाएंगे। हमारा अफसाना हर स्टूडेंट की जबान पर होगा। अब बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या? दोबारा तुम्हारी वजह से इसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, वरना तुम्हारी आंसुओं की जगह खून बहेगा। करता हूं अगर किसी दिन हमारे बीच लव हुआ तो लैला मजनू भी हमारे सामने फीके पड़ जाएंगे। हमारा अफसाना हर स्टूडेंट की जबान पर होगा। हे प्रिटी लेडी, आई एम सॉरी। स्टूडेंट की लाइफ ही ऐसी होती है, एक लड़का लड़की आपस में थोड़ा बात क्या कर लेते हैं, उन दोनों के बीच में प्यार होगा, वो उस लड़की के पीछे दीवाना हो गया होगा, या लड़की लड़के को फांसना चाहती है, ऐसा गलत सोचने लगते हैं। लेकिन जो सच्चे प्यार करने वाले प्रेमी होते हैं उन लोगों की लाइफ तो कन्फ्यूजन से ही भरी होती है। सोचते हैं कि सामने वाला एंगेज हो इसलिए चुप रहते हैं। तुम कितनी सेंसिटिव हो यह मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे बारे में कोई गलत ना सोचे इसलिए मैं एक झूठ बोल बैठा कि हम दोनों में कभी प्यार हो सकता है, लेकिन हमारे बीच में प्यार होना मुमकिन नहीं है। तुम अगर दिए की रोशनी हो तो मैं दिया तले अंधेरा हूं। अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और मैं इसे खोना नहीं चाहता। बाय। कितना अच्छा लड़का है, उसे कितना प्यार करता है। लड़की को प्रपोज करने की बजाय वो जिंदगी भर उस लड़की का एक अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहता है। देखो, एक लड़की हमेशा अपने घर वालों से डरती है, मोहब्बत से नहीं। लेकिन वही एक लड़का घर वालों से नहीं डरता मगर मोहब्बत से डरता है। जानती हो क्यों? वो हमेशा घबराता है कि वो लड़की हाँ बोलेगी या ना बोलेगी। अगर ना कहा तो उसे ये डर सताता है कि उसके साथ जो दोस्ती है वो भी खत्म हो जाएगी। यही लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुकर की सीटी जब बज उठती है पता चल जाता है कि खाना पक गया है। लड़के अगर हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो लड़कियों को कैसे पता चलेगा कि लड़कों के मन में क्या चल रहा है? हम लड़कों को इस मामले में जरा झिझक होती है। अगर लड़की एक कदम आगे बढ़ाकर प्यार का इजहार कर दे तो सारी दुनिया से लड़ने को हम तैयार हो जाते हैं। किसी से भी लड़े, किसी से भी झगड़े, लेकिन लड़की के माँ बाप का दिल नहीं टूटना चाहिए। पता नहीं ऐसी ट्रेजेडी फिल्म बनाती क्यों है। भूलो मत, ट्रेजेडी फिल्म की बदौलत ही मैं तुम्हें मिल पाई हूँ। देश को आजाद हुए इतने साल हो गए लेकिन प्यार करने वालों को आजादी नहीं मिल पाई। सही कहा ना बेटी? यार तू गलत कर रहा है। हाँ यार, तुझे अपने प्यार का इजहार कर ही देना चाहिए। तेरे प्रीति लव को वो प्रीति कभी इनकार नहीं कर सकती। यार लेकिन मुझे डर लगता है अगर उसने मेरे प्यार को इनकार कर दिया तो कहीं दोस्ती भी ना खो बैठूं, इसलिए जानबूझकर मैंने उसे झूठ बोला। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए यार। जो नहीं कहना चाहिए था वो मैंने कह दिया, इसलिए मैं अभी अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। यार ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है तू जानता है? क्या है? हम जिसे प्यार करते हैं उससे शादी कर लें तो लव मैरिज, और किसी दूसरे के प्यार से शादी कर लें तो अरेंज मैरिज। तेरी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए जाके इजहार कर दे। देख यार, मुर्गी जब दाना चुभती है तभी उसको कैच कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई और उसका चिकन तंदूरी बना लेता है। तू जल्द से जल्द अपने प्यार का इजहार कर दे। देख यार, जवान लड़की हॉस्पिटल की तरह होती है, ट्रीटमेंट होगा इस बात की गारंटी है, कुछ नहीं तो पोस्टमार्टम तो है ही। ऑल द बेस्ट। आजा।
कल से क्या देख रहा है? हाँ? मेरी एंट्री से तेरी कुर्सी हिलने लगी क्या? जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ भले ही वो सिंहासन ना हो लेकिन इस पर बैठने वाला राजा है, महाराजा। महाराजा <है? laughs> अरे तो जाकर किसी भूतिया महल में राजकाज कर यहाँ क्यों बैठा है? लेकिन तूने मेरा राज छीनने की कोशिश की तो उस दिन समझ लेना तू तो गया। भारी भरकम डायलॉग बोलकर ये मत सोच कि तू बहुत बड़ा डॉन है। बता यहाँ क्यों आया है? जिस प्रोजेक्ट में मैंने हाथ डाला है तू उसमें अपना सिर घुसेड़ रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है। तेरा सिर कट जाएगा। क्या मतलब जिससे तुम्हारी शादी हो जाएगी उसे तो दहेज में बहुत कुछ मिलेगा। दहेज कैसा? मेरे पापा ने ये अपनी मेहनत से बनाया है। तुम्हारे पापा को देखते ही पता चलता है कि वो बड़े मेहनती इंसान है। ये कॉफी स्टेट तो बहुत बढ़िया है। ये कॉफी स्टेट नहीं है, टी स्टेट है। अच्छा, दिखने में तो इसका कलर कॉफी स्टेट जैसा लगता है। बेटा प्रीति। रामू काका। कॉलेज कैसा चल रहा है? ठीक ठाक ही चल रहा है काका। और ये कौन है? ये मेरे कॉलेज का दोस्त है। हाय। पहले तो शहरी लोग चिकनी चुपड़ी बातें करके दोस्त बनाते हैं और उसके दिल तोड़ के भाग जाते हैं। सुनिए अंकल जी, हम उनमें से नहीं है, हम जिंदगी भर साथ निभाते हैं। बेटा बोलना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल है। चलती हूँ रामू काका। ठीक है बेटा। ये फिलोसोफर्स को तुमने इन कामों में क्यों लगा दिया है? ओ, ये हंसी मेरी जान ले लेती है। आफ्टर ऑल ये तीन शब्द उसे बोले कि नहीं जा रहे प्रेम। Come on, you can do it. अरे, सुनिए। Hey, रुको तो सही। कुछ भी कहो, यहाँ की लड़कियाँ सही नहीं है। लड़कियाँ आगे चलती रहती हैं और लड़का उन्हें बस फॉलो करता ही रहता है कि नहीं? अरे मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, बहुत शर्म आ रही है। बातों को इतना घुमाओ मत। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अपने गांव की हर खूबसूरत जगह घुमा रही हूँ, बदले में लगता नहीं कि तुम मुझे कहीं ले जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम सिर्फ हाँ कहो, मैं बादल बनके आसमां तक उड़ा के ले जाऊंगा। रहने दो, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। फिलहाल मुझे ट्रैक्टर में घुमाओ। ट्रैक्टर? एरोप्लेन उड़ा लेता हूँ, ट्रैक्टर क्या चीज है। कम ऑन। इतने झटके दिए कि मेरी कमर टेढ़ी हो गई। हे, आपकी जमीन में दरअसल बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। हाँ? रहने दो, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, उन्हीं में से हो तुम। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत नजारा है यार। इसलिए कहते हैं जन्नत होती है तो सिर्फ खेत में होती है। अच्छा बताओ, तुमने जन्नत देखी क्या? कैसा लगा मेरा गाँव? क्या बात है, हमारे गांव की खूबसूरती में खो गए हो क्या? मैं इस गांव की खूबसूरती देखकर नहीं खोया, खोया हूँ गांव की लड़की को देखकर। लगता है दिल का मरीज हो गया हूँ, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर वो मुझे ना मिली तो। जब भी तुम मेरे सामने आती हो एक अलग सी फीलिंग आ जाती है,
दिल में एक ऑर्केस्ट्रा बजने लग जाता है, ऐसा म्यूजिक जो कोई नहीं सुन पाता, खुदा के लिखे हुए रोमांटिक सॉन्ग जैसा। लगता है जैसे मैं दीवाना बन गया हूं। मेरी तरफ इस तरह मत देखो, बॉडी में करंट सा दौड़ने लगता है। तुम लड़कियां आंखों की जुबान कहती हो, लेकिन मुझे यह सब नहीं आता, क्योंकि लड़के कुछ भी कहते हैं तो इस दिल से कहते हैं। वो कौन सा राह निकलता जब तुम मेरे सामने आ गई। इस नाचीज की आंखें अब किसी और चीज को देखना पसंद नहीं करती। अब अगर इस जादू का असर मैं उतारना भी चाहूं तो भी मैं उतार नहीं पाऊंगा। तुम बहुत ही सुशील और अच्छी लड़की हो, नन्हे मुन्ने बच्चों की बात समझ सकती हो, भिखारियों का दर्द समझ सकती हो, माँ की ममता जानती हो, बाप का दुलार भी जानती हो। लेकिन सुबह शाम तुम्हारे साथ भटकने वाले इस नाचीज की फीलिंग को नहीं समझ सकी। तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारे आंसू जो गिरे थे उन्हें मैं थामना चाहता था। तुम जो हमेशा शहद जैसी मीठी बातें करती हो, वो मेरे कानों में रस खोलती हैं। जब भी तुम मेरे सामने चलती हो तो तुम्हारा साया बनकर मेरे ख्याल तुम्हारे साथ चलते हैं। किसी के दिए हुए जख्मों पर तो तुमने मलहम लगा दिया, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ जख्म अफसोस तुम्हें नजर नहीं आया। तुम्हारी आंखों से बरसा हुआ मोती सीधा मेरे दिल में आकर बस गया और मैं दीवाना बन गया। अब मैं प्रेमी बनूंगा या पुजारी बनूंगा, मुझे खुद नहीं पता। उस दिन वो छोटा सा बच्चा जिसने तुम्हें शर्ट लाकर दी थी, तब तुम्हें वो शर्ट ही दिखी थी, लेकिन साथ में उस शर्ट के जेब में मैंने अपना दिल भी रखकर भेजा था। वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। कुछ भी हो, दिल की बातें दिल में दबा कर रख सकते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग को कभी भी कोई दबा नहीं सकता। पॉपकॉर्न विद कोल्ड ड्रिंक। या खामोशी में सिर्फ शेर की दहाड़ सुनाई देनी चाहिए, बिल्ली के बच्चे की म्याऊं नहीं। जाने दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो मुझे।
छोटे मालिक, ये आपके साथ है, पता नहीं था। सॉरी छोटे मालिक। ए, सॉरी बोलो। सॉरी छोटे मालिक। कितनी बार कहा है कि जहां मैं रहूंगा वहां पर नजर मत आना। सॉरी छोटे मालिक, अगर दोबारा तुम लोग मेरी आंखों के सामने आए ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। मालिक, प्रीति, वहां से उठकर क्यों चली आई? प्लीज प्रेम। प्रीति मेरी बात तो सुनो, मेरा उन गुंडों से कोई लेना देना नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। अच्छा? है प्रीति, देखो तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। प्रीति, प्रीति, देखो तुम पागलों जैसी बात मत करो, मेरी बात तो सुनो प्लीज। मुझे जो तुम पर विश्वास था वो आज टूट गया है। अब मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। लेकिन प्लीज लीव मी अलोन। प्रीति, प्रीति प्लीज, प्रीति मेरी बात तो सुनो। प्रीति भगवान के लिए मेरी बात सुनो, सच में तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। प्रीति प्लीज, प्रीति प्लीज, लीव मी अलोन। दुश्मनों को मैं दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर निकालता हूँ, अंडरग्राउंड हो जाते हैं तो जमीन खोद के निकालता हूँ। पिछले कई सालों से देवराज मेरे आदमियों को और मैं देवराज के आदमियों को मौत के घाट उतारते चले आ रहे हैं। अरे अरे भागो नहीं बेटा, अरे 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 वहीं पर रुक जा। साथ में चलो। आ रहा है वो।
अरे हम लोग के साथ चलो बेटा, अगर भागोगे तो पैर भी फिसल सकता है, समझ गए? शक्ति सारे गरीबों में प्रसाद बांट दो। सुनिए जी, शांति, ये क्या हो गया? शांति, शांति, मालिक, बेटा, बेटा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, बेटा? तुम्हारे हाथ भी खून से नारंगे, यही तुम्हारी माँ की इच्छा थी, पापा। गांव वाले सोचते हैं कि उस हादसे में तुम्हारी मौत हो गई, और मैंने भी किसी को सच नहीं बताया। दुश्मनों को तुम्हारा पता ना चले, इसीलिए अपने से दूर रखकर मैंने तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया, और वहीं आकर चुपके से तुमसे मिलता रहा। लेकिन अब यह राज राज नहीं रहा, तुम मेरे बेटे हो यह बात देवराज को पता चल गई है। तुम्हें किसी भी तरह से खत्म करके वो मुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम कुछ दिनों तक इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। पापा, मैं आपकी हालत अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन प्रीति से दूर रहकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। प्रीति को छोड़ने के लिए तुम्हें कौन कह रहा है प्रेम? जैसे ही यह मामला ठंडा होगा, मैं खुद जाकर प्रीति के माँ बाप से मिलूंगा और तुम्हारी शादी करवा दूंगा। नहीं पापा, प्रीति को मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा बेटा, प्लीज, मेरी प्रीति की हिफाजत मैं खुद करूंगा। प्रेम, प्रेम, वहीं रुको, मुझे यहां क्यों बुलाया? पानी के बहाव को जहां जाकर मिलना है वो वहीं जाकर मिलता है, यही हाल प्यार करने वालों का भी होता है। प्लीज, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? प्यार तो गंगा जल की तरह पवित्र होता है, भगवान के लिए उसे अपवित्र मत करो। प्रीति, प्लीज मेरी बात तो सुनो। नो! तुम अपनी सफाई में कहोगे क्या? वो लोग गुंडे हैं, मर्डर करना उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उन्होंने किया। तुमने यही कहने के लिए मुझे बुलाया है ना? जैसे ही लड़की देखी उसे पटाने के तरीके सोचने लगते हो, फंसाने के लिए उसके स्माइल की तारीफ करते हो, बात करने की कोशिश करते हो, फिर प्यार करना चाहते हो ताकि थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, और उसके बाद उस लड़की से तुम्हारा मन भर जाता है। लेकिन हम लड़कियां तुम जैसे नहीं है, एक बार किसी को अपने दिल में बसा लेना तो जन्म जन्म तक उसका साथ निभाते हैं। लेकिन तुम क्या समझोगे कि सच्चा प्यार क्या होता है? मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा, स्मोक नहीं करूंगा, शराब छोड़ दूंगा। अपने प्यार का विश्वास दिलाने के लिए कितने झूठे वादे करते हो, और जब लड़की मान जाए तो इग्नोर करना शुरू, उसे तड़पाने में तुम्हें बहुत मजा आता है, फिर स्मोक भी करोगे, दोस्तों के साथ शराब पीकर भी आओगे, सारे प्रॉमिस भूल जाओगे। तुम प्यार के साथ खिलवाड़ करते हो, और हम लड़कियां प्यार को ही अपनी जिंदगी मान लेते हैं। सच्चे प्यार में झूठ शामिल नहीं होता है प्रेम, प्यार का दूसरा नाम है विश्वास, और यही विश्वास हमारे प्यार को मजबूत बनाता है। आई एम सॉरी प्रीति, तुम मुझे एक और मौका तो दो। प्रीति, प्रीति रुक जाओ प्लीज, प्रीति, ए प्रीति लड़ी। प्यार करने वाला हर लड़का हर लड़की से यही कहता है कि हमेशा तुम बस मेरी ही बनकर रहो, सातों जन्म तक तुम बस मेरी ही पत्नी बनकर रहो। ये कहां तक सच है ये नहीं पता, लेकिन एक बात तो सच है, सातों जन्मों का प्यार मैं तुम्हें इसी जन्म में दे दूंगा। दोनों का इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच
हमारा प्यार जीतेगा ना? जरूर जीतेगा प्रीति, कल ही मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। मैंने कहा था एक ना एक दिन तू जरूर टकराएगा। मेरे अच्छे खासे भाई को तूने आमिर खान बना दिया। क्या हुआ इसे? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है भाई। Hey, सारे हथियार निकालो। भाई, ये लगता है पूरी पलटन लेकर आया है। ये अकेला मरने नहीं आया, अपने फंटरों को भी साथ लाया है। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलो शुरू हो जाओ। अपने आप को बहुत शाना समझता है। तुझे लगा हम आपस में लड़ेंगे और तू भाग जाएगा? हम बेवकूफ दिखते हैं, है नहीं? अटैक! ए, पकड़ इसे, पकड़। मालिक, पापा, तुम लोगों को मैंने अपने बेटे की रखवाली के लिए कहा था। हाँ मालिक। तुम लोगों से एक छोटा काम बोला, वो भी तुम लोगों से नहीं हो पाया। किसी काम के नहीं रहे तुम लोग। पापा, देखो तुम बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। यहाँ आइए ना पापा। तुम्हारी माँ मुझे छोड़ गई। अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करता? अरे मैं तो इसीलिए जिंदा हूं ताकि तू सुकून से जी सके। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुझ पर उठे हाथ को मैं काट डालूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेचारी वो लड़की, वो देवराज खामोश नहीं बैठेगा। अब वो पूरी कोशिश करेगा उस लड़की को उठाने की। मैंने जो पाप किए हैं उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है बेटा। अगर उस लड़की की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें उसे भूलना होगा। सही कहते हैं, लड़कों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। कल तुम आओगे ये सोचकर मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन हमेशा की तरह तुम अपना वादा भूल गए। क्या हुआ प्रेम? अब मैं क्या कहूँ प्रीति, ऊपर वाला भी किसी को सताने के लिए बड़ा अजीब सा खेल खेलता है, प्यार के जाल में फंसाता है। क्योंकि प्यार से बढ़कर दुनिया में और कोई सजा नहीं है प्रीति। ये तुम क्या कह रहे हो? आई एम सॉरी प्रीति, तुम मुझे भूल जाओ। समझ गई, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? नहीं प्रीति, आई एम सीरियस। नहीं, तुमसे जुदा होकर जीने की हिम्मत मुझ में नहीं है। है प्रीति, तुमसे दूर होकर जीने की हिम्मत मुझ में है। प्रेम!
सही कहते हैं, लड़कों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। पता है कल मैं कितना इंतजार करती रही तुम्हारा, और हमेशा की तरह तुम भूल गए। प्रीति, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिट, चलो यहाँ से निकलते हैं। प्रेम, प्रेम क्या हुआ? जल्दी आओ। प्रेम हुआ क्या? मैंने कहा ना चलो यहाँ से। प्रेम, ये कर क्या रहे हो तुम? प्रीति, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? प्रेम, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? बोलो क्या हुआ? प्रेम मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? आओ बताता हूँ, चलो। प्रेम, चलो अंदर बताओ। प्रेम मुझे बताओ क्या हुआ? तुमने कभी यहीं को मैं अभी आता हूँ। मेरी बात तो सुनो। प्रेम, मेरी बात। प्रेम, मेरे और अजय से मां के बीच पिछले 25 सालों से दुश्मनी की आग जल रही है, जिसमें उसके लड़के की चिता जलेगी और उसके साथ जलेगी तेरी बेटी प्रीति भी, क्योंकि प्रीति प्यार करती है प्रेम से। प्रेम को तो तू नहीं बचा सकता, लेकिन अपनी बेटी को जरूर बचा सकता है। तू सोच रहा होगा कि मुझे तेरी बेटी की इतनी फिक्र क्यों है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। अगर तूने अजय को अपना समधी बना लिया तो फिर समझ लेना, गोलियों से भून दूंगा। प्रेम, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है प्रीति, मैं तो वो। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। प्लीज प्रेम, तुम्हें क्या हुआ? ये अपनी जवान बेटी से तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, ये सवाल मैंने कभी नहीं पूछा। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। उस विश्वास को आज तुमने तोड़ दिया। तुमने प्यार किया वो गलत नहीं है, हाँ, लेकिन प्यार के लिए जिस लड़के को चुना है वो गलत है। कोई जय सिंह नाम का आदमी और कोई देवराज है, उनकी आपसी दुश्मनी की वजह से भला मैं अपनी बेटी की कुर्बानी क्यों दूं? बेटी, ये सब कुछ यहीं रोक दो, प्लीज, प्लीज। सुनो, तुम मेरा फैसला समझ गए होगे। आज के बाद मेरी फैमिली से दूर रहना। ए, चल साइन कर। करेगा कि नहीं बोल। हाँ, ला दे। हाँ। निकल। चल निकल यहां से। सिम्हा, जय सिम्हा। मेरे बाप का नाम सुनते ही तू डर से बौखला जाता है, और अगर मुझे देखेगा तो सोच क्या होगा। कहीं दूर बैठकर धमकी नहीं देते बच्चे, हिम्मत है तो आजा, फेस टू फेस बैठकर हिसाब किताब करेंगे। जरा पीछे मुड़कर देख। अकल के अंधे जब शाने बनते हैं ना, तो बिन बुलाई मौत उसे चुपचाप निकल जाती है। I mean to say, जिस चेयर पर तू बैठा है ना, जरा झुककर नीचे देख। होशियारी की तो तेरे चीथड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि तेरे चेयर के नीचे RDX लगा है। RDX 40% अमोनियम नाइट्रेट, 18% नाइट्रिक एसिड, 21% एज एसीटोन, 18% एसिडिक हाइड्रोइड, 1.5% मेथनमाइन, 1.5% सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर। ये सब होते हैं RDX के केमिकल सब्सटेंसेस। समझ में नहीं आया क्या? तेरी समझ के बाहर है। गली के गुंडों को मार मार कर अनएजुकेटेड बना हुआ गुंडा है तू, लेकिन मैं एजुकेटेड हूँ।
फील्ड में एंट्री ली है तो नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। चल लव के लिए एक स्मॉल गेम खेला जाए। लास्ट बुलेट। पसीना पहुंच ले। देखा तूने, मेरे सामने आते ही तेरे पसीने छूट गए। मौत से तुझ जैसे गुंडे डरते हैं, मुझ जैसे आशिक नहीं। इतिहास गवाह है कि तुम जैसे कितने सारे गुंडे आकर भी हम जैसे आशिकों का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, और आगे भी वही होगा। चाहे तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं उस लड़की से शादी कर ही रहूंगा। जानता है क्यों? मैं तेरे जैसा टोपी पहनाने वाला टोपी वाला नहीं हूँ, पान खिलाने वाला पान वाला नहीं हूँ, धोखा देने वाला धोखेबाज भी नहीं हूँ। प्यार के लिए पैदा हुआ हूँ, दिल दिल वाला हूँ। तेरे पास सिर्फ एक घंटे का समय है। एक घंटे के अंदर उठेगा तो भी मरेगा, और यहाँ बैठा रहेगा तो भी मरेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे मैं कहां फंस गया आखिर? क्या कर रहे हो? कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, जल्दी करो। इधर आना। आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं कहने वाला दुम दबाकर भागना चाहता है। मैं अगर मरूंगा तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको ऊपर लेकर जाऊंगा। मम्मी डैडी सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। जरा गौर से देखो ना भाई, मेरे परिवार वाले भी होंगे। क्या कह रहा है? मेरा नहीं है मालिक, उसका उसका। क्या कर रहा है? मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और तेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। सबकी किस्मत यहाँ पर लिखी होती है, लेकिन मेरी पीछे लिखी है। हाँ? अब आप उठ सकते हैं सर। बम डिफ्यूज कर दिया। हाँ, कर दिया। उठ सकते हैं आप। देख भाई, मैं तेरे भरोसे उठ रहा हूँ। सर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बम डिफ्यूज किए, पर ऐसा बम आज तक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बख्शीश देना। ये लीजिए सर, ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो फटेगा, भागो। अरे भागो रे। मालिक, मैंने तो पहले ही कहा था कोई आपसे मजाक कर रहा है। अच्छा, चुप। बाप के किए हुए पाप बेटे के लिए श्राप नहीं बनने चाहिए। इतने सालों तक मैं गलत रास्ते पर चलते आया, लेकिन इन बच्चों के प्यार के खातिर मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। आपके छोड़ने से क्या होगा? उस देवराज का क्या? वो देवराज आपके घर में आकर हम दोनों की शादी तय करके मंडप में खुद आकर हम दोनों की शादी करवाएगा। अब ठीक है? शैतान को संत बनाने की बात नहीं करो तो बेहतर है। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है अंकल, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। आंटी, शादी के लिए शॉपिंग शुरू कर दीजिए। कौन आया था? घर वाले कहाँ? सब किस जाओ, देखो। भारती, भारती, ए तू बुला। भारती, भारती। भाभी का नाम तूने अपनी जुबान पर लिया कैसे? भाई सब जगह देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, लेकिन भाई
बाहर गार्डन में भी कोई नहीं है भाई। हाँ? भाई ए, अंदर कमरे में भी कोई नहीं है भाई। ए, ये कौन है? हेलो, कौन? प्रेम। कौन सा वाला? प्यार वाला प्रेम कि जोगी वाला प्रेम? दिल वाला प्रेम मालिक। प्रेम क्या बॉस? बेबी बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं क्या? ए, ये क्या टॉर्चर है यार? तेरा बाप मेरी बेटी को किडनैप कर लेता है और तू बेटी के साथ उसकी माँ को भी किडनैप कर लेता है। देख, अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ ना, अब तक तो कुछ नहीं हुआ है, और अगर तू चाहता है कि आगे भी कुछ ना हो तो जैसा मैं कहूंगा वैसा ही कर। ठीक है, तो बता मुझे क्या करना है। अब तू सीधा मेरे ससुराल जा, उनके आगे हाथ जोड़, या जरूरत पड़े तो उनके पैर भी पकड़ ले, कुछ भी कर ले, किसी भी तरह उन्हें बहला फुसला, और मेरी और प्रीति की शादी तू मंजूर करवा। इसके अलावा अगर तूने कुछ होशियारी करने की कोशिश की, ए, तो क्या कर लेगा तू? मैं अच्छे के साथ अच्छा हूँ, लेकिन बुरे के साथ बहुत बुरा हूँ। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो तेरी बीवी और बेटी का सर खाली मैं सजा कर तेरे घर पे भेज दूंगा। अरे बेटा मेरी बात सुन, किसी को काट कर फेंकना है तो बोल, मेरे बाएं हाथ का काम है, लेकिन ये शादी ब्याह के बारे में बात करना मुझे नहीं आता है यार। तुझे ये सब बात करना नहीं आता ये मैं जानता हूँ, इसलिए तेरे टेबल पर एक पेपर रखा है जिसमें क्या बोलना है वो लिखा है, उसे अच्छी तरह से पढ़ ले और मेरे सास ससुर से मिलकर मेरी शादी फिक्स करा। कुछ समझा क्या तू? अभी इसमें समझने वाली क्या बात है? तो बता ना क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है मालिक। कटकरी से। ए, शहर गांव गली गली ढूंढो उसे, आज दिखा देता हूँ मैं क्या चीज हूँ। मालिक वो कहाँ मिलेगा मुझे अच्छी तरह से पता है। तो चल गाड़ी निकाल। पर है वो मालिक चल। क्या है ना, ये तो उस लड़की का गांव है। तो मुझे यहाँ किस लिए लाया तू? मालिक वो लेटर में जो लिखा है वैसा करके उसके बाप को हम मना लेंगे ना मालिक। बता किधर है वो, चल बता। मालिक हाँ? जो होना था हो गया, उस लेटर में जैसे लिखा है उसी तरह उस लड़की के बाप के पास जाकर कह दो ना मालिक। हाँ मालिक, जाकर कह दो ना मालिक। तुम सब उसके आदमी हो या मेरे आदमी हो? मालिक उसने सिर्फ आपकी फैमिली को किडनैप नहीं किया है, हम सब की फैमिली को किडनैप कर लिया है। गधे की औलादों, थोड़ा पढ़ लिख जाते तो तुम्हारा क्या जाता? जैसा गुरु वैसा चेला मालिक। ए, वो देख कोई जा रहा है, यहाँ बुलाना उसे। ए! क्या है? एक लेटर पढ़ने का है। लव लेटर होगा तो पढ़ूंगा, सुसाइड लेटर होगा तो नहीं पढ़ूंगा। अरे बिना पढ़े कैसे समझेंगे? यू अनएजुकेटेड कंट्री Roots. क्या बात है। चलो भाई इस चिट्ठी में क्या लिखा है पढ़कर जरा सुनाओ तो। क्या पढ़ू? hey, no free service. एक बात कान खोल के सुन लो, फ्री में अपने बाप की लुंगी नहीं धोता। सरोजा सिगरेट है क्या? माचिस क्या तरवाब देगा? hey, लेटर पढ़वाना है तो साइलेंट रहो। भाई जरा जल्दी से इसमें क्या लिखा है पढ़कर बता दूं। अरे ये क्या? ये तो हिंदी है। आई नो ओनली इंग्लिश। अच्छा तो ये बात है, गुंडागर्दी पूरी तरह से छोड़ दी तो? हाँ छोड़ दी। मतलब अब तुम गन बम तलवार कभी नहीं छुओगे? ये क्या? माना कि तुम गुंडागर्दी छोड़ चुके हो, लेकिन हाँ। सोचो अचानक तुम्हारे दुश्मन लोग तुम्हें मारने आ गए तो? अरे तुम लोग ओवर रिएक्ट क्यों कर जाते हो? ठीक है मालिक, ठीक है मालिक, ठीक है। भाई साहब कल हमारी बेटी को कुछ खतरा हुआ? कैसे होगा, इस भाई को भगवान ने एक ही तो बहन दिया है, वो मेरी मोहबोली भांजी, तुम मेरी मोहबोली बहन, तुम्हारी बेटी मेरी इज्जत, भगवान समान जीजा, अपनों का एहसास, प्यार की सौगात, ममता की बरसात। उसी प्यारी भांजी के लिए एक प्यारा सा रिश्ता लेकर आया हूँ, मेहरबानी होगी अगर स्वीकार करें।
आप शादी के लिए मान गए तो कुछ ही महीनों बाद भगवान के आशीर्वाद से नाना नानी हाथ में नाती नातिन। मना मत करना प्लीज, शादी हो जाने दीजिए मैडम, ये शादी हो जाने दीजिए। कन्यादान करके कितना पुण्य मिलता है आप जानते हैं? माइकल जैक्सन को भूल जाएगा? मालिक ने ऐसा स्टेप किया भाई, मैंने पहली बार ऐसा बहुत क्या चल रहा है वहाँ? आपने जो कमाल दिखाया ना भाई, उसके आगे तो माइकल जैक्सन ही पानी कम चाया भाई। आजा आजा आजा। क्या भाई, आपने जो स्टेप्स किए हैं ना वो तो मैं सोच भी नहीं सकता, आपको तो फिल्मों में जाना चाहिए भाई। देखो क्या बोल रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। तो तू कोई कम था क्या, इतना बड़ा पेट लेकर कैसे नाच रहा था? और तू? और मैं? तू तो सबसे आगे निकला रे। आपका मुकाबला कौन कर सकता है, आपने तो उस लेटर में जो लिखा था उससे भी बेहतर किया। जिस काम से हम लोग गए थे उसे बहुत अच्छे से निभाया मालिक आपने। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं लोग पीछे ना झुंड ना लें। एक अल्फाज भी अगर मुझ से निकला ना तो बोलने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। मजाक सोच रहा है सबको, पूरे अंडरवर्ल्ड को उंगली पर नचाने वाला मैं, और मुझे उस जय सिम्हा के बेटे ने आइटम सॉन्ग डांसर की तरह नचवा दिया। नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। प्रेम, ए, जैसा तूने कहा था हमने कर दिया, अब अपना वादा निभा दू। अभी काम पूरा नहीं हुआ है बॉस, पिक्चर अभी भी बाकी है। कल सुबह ठीक 9:30 बजे शिवजी के मंदिर में मेरी शादी है। मैं प्रीति के गले में जब तक मंगलसूत्र नहीं बांधता तब तक तुझे इंतजार करना होगा, ओके ना? ए, ए! कल मेरे दुश्मन के बेटे की शादी है, पूरे शादी के मंडप को मैं शमशान बना दूंगा। ए, हाँ भाई, दुल्हन जहां भी हो उसे ढूंढो और वहीं खत्म कर दो। ठीक है जाओ। दूल्हे की बारात तो मैं नहीं दूंगा। बेटा तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ, तू जाके खेल, मैं बाद में मिलता हूँ। मेरी बेटी है मालिक। बढ़िया है बढ़िया है, शुक्र है आप आ गए। आप इस तरह घूर क्यों रहे हैं मुझे? नहीं वो मैं, आप कुछ मत बोलिए, रहने ही दीजिए। मुझे पता चला कि आप किसी काम के सिलसिले में दुबई जा रहे हैं, पता है प्रेम ने अकेले ही सारा इंतजाम किया है। प्रेम, लेकिन वो तुम लोगों को, कुछ मत बोलिए रहने दीजिए। पहले ये बताइए मेरी साड़ी कैसी है, मेरे ये गहने कैसे लग रहे हैं? ये सब प्रेम का ही सिलेक्शन है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? कैटरीना कैफ को भी पीछे छोड़ दिया। आप भी ना। ये हो क्या रहा है? वो क्या है ना मालिक, हम सोच रहे थे कि वो हमारे घर वालों को टॉर्चर कर रहा है और यहाँ तो अपने लोग ही शादी करवाने में लगे हुए हैं। लगता है बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है मालिक। पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया, पकड़ लिया दुल्हन को। क्या करे भाई, मार दे उसको। ए, रुक जा रुक जा रुक जा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। उठाकर अड्डे पे ले जाओ। ठीक है भाई, ले जाते हैं। दूल्हे को मंडप में ले आओ। आज तो तू लगता है बहुत ही खुश होगा, है ना? कहां से आएगी, वो तो मेरे अड्डे पर पहुंच चुकी हो। ए, लक्ष्मी चुपके से दूल्हे को देख रही हो? देखना मजा। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना मालिक, ये खतरनाक गेम खेल रहा है, दूल्हे को शूट कर दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी पर गोली चलाएंगे आप? क्या बॉस, चकरा गए क्या? किसी भी तरह मुझे खत्म करके ये शादी को रोकने की कोशिश कर रहे थे ना, तो यहाँ कर रुक क्यों गए? चलो मारो मुझे, शूट मी, शूट। हाय, मार दो इसे, मार दो भाई, देख क्या रहे हो, मार दो इसे, गोली मार दो, सोच क्या रहे हो? नहीं मार सकते भाई साहब, नहीं मार सकते। इस संसार में हम तुम ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी ताकत प्यार के आगे झुक जाती है। उस दिन हमारे बच्चों की शादी अगर रुकी तो उसकी वजह थी तुम्हारी दुश्मनी, और आज देखो वो दोनों एक हो रहे हैं, और उसकी वजह है उन दोनों का प्यार। इस लड़के ने
परसों मेरे पास आके सब कुछ समझा दिया। हालांकि मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ नहीं मानूंगा, लेकिन इसने हाथ पैर जोड़कर मुझे राजी कर लिया। और पता है किस बात की दुहाई दी? ऐसे की नहीं, जागीर की नहीं, प्यार की दुहाई। सुनो देवराज, ये सब छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। गुंडागर्दी के अंधेरों को छोड़कर इंसानियत की रोशनी को अपनाते हैं। तुम ही सोचो, हमें इस रास्ते पर क्या हासिल हुआ? हमारा प्यार तो हमारे बच्चों को नसीब नहीं हुआ, लेकिन आज उनसे जो प्यार हमें मिल रहा है, हमें उसे खोना नहीं चाहिए। सही कहा, हम बड़े बुजुर्ग बच्चों की भावनाओं को ठीक से समझने से पहले ही कभी कभी गलत फैसले ले बैठते हैं। जब बात रिश्ते की हो, खून अत्याचार हमें पहले नजर आता है। हमारे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने तो बस प्यार किया है। इस संसार में ऐसा कौन है जिसने प्यार नहीं किया हो, बताइए? ये आज के दौर के बच्चे हैं, ये चाहते तो कहीं भी जाकर पुलिस प्रोटेक्शन लेकर, मीडिया का सपोर्ट लेकर आराम से शादी कर सकते थे और कोई कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अगर अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुश्मनी की आग नहीं बुझी है, तो मेरी जान ले लो, हमारे बच्चों को छोड़ दो। नहीं भाई साहब, जाने कितने डूब गए और कितने तर गए। प्यार की खातिर कितनों ने अपनी जानें दे दी और कितनों ने अपनी जानें दांव पर लगाकर प्यार को जिंदा रखा। इस संसार में सच्चा प्यार करने वाला ही सही मायने में दिल वाला है। दोस्तों, प्यार को प्यार की नजर से देखो। सबका दिल जीत कर अपने प्यार को हासिल करने वाला ही दिल वाला कहलाता है।